उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कभी देवभूमि के मुखिया रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत अब सार्वजनिक मंच पर लोगों से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर जनता से सार्वजनिक माफी मांगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते माफी मांगता हूं। यदि युवाओं से थोड़ी गलती हुई थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूँ तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। मानो विपक्ष किसी फिराक में बैठा था कि कब बीजेपी या उनके किसी नेता का बयान आए और कांग्रेस उस पर हमला पर हो जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ ले लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश चमोली ने कहा कि महिलाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज कोई पहली बार नहीं हुई। इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था। देखिए, भारतीय यहाँ पे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। जब माननीय त्रिवेंद्र राव जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो पूरा उत्तराखंड जाता है कि पहली बार उत्तराखंड की मातृशक्ति पर लाठीचार्ज गैरसैंण में करवाया गया त्रिवेंद्र राव जी की सरकार में। और एक शब्द माननीय त्रिवेंद्र राव जी ने उस टाइम ना राज्यवासियों से माफ़ी मांगी थी, ना हमारी मातृशक्ति से जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अथक प्रयास किया उनसे माफ़ी मांगी। आज क्योंकि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से जो अंदर की उनकी खींचतान है, आज याद आ रहा है त्रिवेंद्र राव जी को कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और राज्य के युवाओं के साथ गलत हुआ है। तो मेरा मानना है कि त्रिवेंद्र राव जी के लिए को उस समय जो गैरसैंण में जो उन्होंने उस टाइम लाठीचार्ज कराया था हमारी मातृशक्ति पे, उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि जो ये बेरोजगारी बढ़ी है, आप देख लीजिए जो 2017 से पहले की बेरोजगारी दर है और जो 2017 के बाद 22 तक बढ़ी, वो ज्यादातर त्रिवेंद्र राव जी के कार्यकाल में बढ़ी। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पर। लेकिन चूंकि अब बीजेपी की तरफ से बयान आया है तो आखिर नेता क्या करें, तो बीजेपी के बाकी नेताओं का सुनिए क्या कुछ कहना है। अर्थ निकालने का ढंग है, आप उस ढंग से निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूं कि उन्होंने अपने मन से जो ठीक समझा वो कह दिया। मुख्यमंत्री जी अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं लाठीचार्ज सही है? नहीं, मैं क्यों कहूंगा। लाठीचार्ज को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सही है, लेकिन परिस्थिति होती है लाठीचार्ज हो जाता है। देहरादून में पेपर लीक प्रकरण और भर्तियों में धांधली के खिलाफ युवाओं का आंदोलन हुआ। इस दौरान युवा पुलिस के बीच संघर्ष हुआ जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस ने कुछ उपद्रवी तत्वों पर आरोप लगाया जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से जहां कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है तो वहीं बीजेपी थोड़ी खामोश नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में यह मामला कहां तक जाता है। पंजाब के सीटीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।